अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قابل احترام दीनी व मेले भाइयों और बापर्दा ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई, हम्द व सना उस मालिक कायनात के लिए है जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया में पैदा करने के बाद इस दुनिया का सबसे सही तरीन दीन इस्लाम का मानने वाला बनाया। इस दीन के मिल जाने पर हम जिस कदर रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें वो कम है। दरूद व सलाम नाजिल हों अंबियाए किराम की मुक़द्दस जमाअत पर, बिलखुसूस आखिरी नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी पर, जिन्होंने रब्बुल आलमीन के पैगामात को हम इंसानों तक पहुँचाने के लिए बेइंतहा मेहनतें की, मशक्क़तें झेली, तकलीफ़ें उठाईं। रब के पैगाम को पहुँचाने के लिए नबी ने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सुकून देखा, ना परेशानी देखी। सिर्फ़ एक ही मकसद कि रब ने जो अमानत मेरे हवाले की है, किस तरीके से ये अमानत मैं रब्बुल आलमीन के बंदों तक पहुंचा दूं। और आपने पूरी ईमानदारी के साथ रब्बुल आलमीन के पैगाम को दुनिया के इंसानों तक पहुंचा दिया। हादिरीन जुमा, जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करनी है वो बड़ा हसास और बड़ा अहम मौजू है, और वो है इत्तेबा ए सुन्नत या इत्तेबा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी कोई भी इबादत हो, हमारी ज़िंदगी का कोई भी मामला हो, मसला हो, अगर उसे हम सुन्नत रसूल की रोशनी में हल नहीं करते, हम अपनी कोई भी इबादत सुन्नत रसूल की रोशनी में अंजाम नहीं देते, तो वो हमारी इबादत कबूल नहीं की जाएगी। गोया कि सुन्नत के बगैर हम इबादत नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग ये कहते हैं हमारी नजात के लिए, आखिरत में कामयाबी के लिए और किसी भी इबादत को अंजाम देने के लिए हदीस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुरान हमारी नजात के लिए काफ़ी है। और वो लोग हदीस के अंदर शुकों को शुबहात पैदा करने की कोशिश करते हैं और लोगों को ये कहकर गुमराह करते हैं कि हदीस के लिखने का रवाज बाद में हुआ है और कुरान ही सिर्फ हमारे लिए राह नजात है। उनसे सिर्फ एक सवाल है कि आप हदीस रसूल छोड़ दीजिए, सिर्फ कुरान को लेकर के आप नमाज अदा करके दिखला दीजिए, सिर्फ आप 5 वक्त की नमाज अदा करके दिखलाइए, कुरान से हदीस मत लीजिए। जो लोग कहते हैं हमारी नजात के लिए, दीनी शायर पर अमल करने के लिए सिर्फ कुरान काफ़ी है, वो लोग रोज़े के सारे अहकामात सिर्फ कुरान से हल करके दिखाएं। जो लोग ये कहते हैं सुन्नत की हमें कोई हाजत नहीं है, सिर्फ कुरान से हमारे मसाइल हल होंगे, ऐसे लोगों से गुजारिश है कि वो लोग हज अदा करके दिखाएं। अभी हज के अय्याम आने वाले हैं, वो लोग सुन्नत का सहारा ना ले, सिर्फ कुरान करीम की रोशनी में हज करके दिखाएं। गूंगे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, क्यों? इस वजह से कि ये दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम हैं। किसी भी इबादत को अंजाम देने के लिए, रब की रजा हासिल करने के लिए, आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में से किसी एक को भी छोड़ करके हम रब की रजा नहीं पा सकते, हम कोई भी इबादत नहीं अंजाम दे सकते। और मेरे भाई, सिर्फ एक आयत नहीं, कुरान में सैकड़ों आयतें और ज़ख़ीरे हदीस में सैकड़ों हदीसें आपको मिल जाएंगी जो हमें इस बात का पैगाम देती है कि ऐ दुनिया के इंसानों, इस दुनिया के अंदर लाख सुन्नत के तई शकों को शुबहात पैदा किए जाएंगे, लेकिन तुम सुन्नत रसूल को और किताबुल्लाह की रस्सी के दामन को कभी भी मत छोड़ना। जब इन दोनों चीज़ों को पकड़ोगे, जब इन दोनों पर अमल करोगे, तब जाकर के तुम्हारी इबादत सही होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर बेशुमार मकामात पर इरशाद फरमाता है कि रसूल की इत्तबा करो, अगर रसूल की इत्तबा करोगे तो रब्बुल आलमीन को खुश कर लोगे। सवाल यह है, इत्तबाए रसूल है क्या? हम मुसलमान ये समझते हैं इत्तबाए रसूल का मतलब होता है सिर्फ रसूल की रसालत को तस्लीम कर लेना, सिर्फ रसूल को रसूल मान लेना, यही इत्तेबाए रसूल है। मेरे भाई, ये इत्तेबाए रसूल नहीं है, इत्तेबाए रसूल ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इबादतें किस तरीके से अंजाम दी, आपके अकायद क्या थे, आपकी इबादतें किस तरह की थीं, आपके मामलात किस नौइयत के थे, घर के अंदर अपनी बीवियों से आपके ताल्लुकात किस नौइयत के होते थे, बाजार में खरीदो फरोख्त के वक्त आप किस तरीके से लोगों से गुफ्तगू किया करते थे, सफ़र में आपका मामला क्या होता था, हज़र में आप किस तरीके से रहते थे, आपकी पूरी जिंदगी किस तरीके से गुजरी। उसी तरीके से अगर एक शख्स अपनी ज़िंदगी गुजारता है सुन्नत रसूल की रोशनी में गुजारता है, तो इसका मतलब ये है कि वो मुत्तबे सुन्नत है। अगर वो अपनी नमाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अदा करता है, हज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अदा करता है, इसका मतलब ये है कि वो शख्स उस मसले में, उस मामले में नबी की इत्तबा करने वाला है, नबी की पैरवी करने वाला है। अगर कोई शख्स नमाज तो अदा करता है, तलाक तो देता है अपनी बीवी को, या खरीदो फरोख्त तो करता है, या जिंदगी का कोई भी मसला हल करता है, अगर जिंदगी का वो शोबा नबी की सुन्नत से खाली है तो वो शख्स कभी भी मुत्तबे सुन्नत नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मोमिनों की जमात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते मुबारका तुम्हारे लिए उस्वाए हसना है, आइडियल है। ज़िंदगी के हर मसले में तुम लिबास पहनते हो, तुम गुफ्तगू करते हो, तुम बाज़ार में जाते हो, तुम अपनी बीवियों से बात करते हो, पड़ोसियों से तुम्हारा क्या सलूक होना चाहिए। हर शोबे में आप किस चीज़ को तलाश करो? नबी की सुन्नत को तलाश करो, हदीसे रसूल ढूंढो। क्यों? इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। और जो कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे उसे ले लो। सवाल ये है, नबी हमें क्या देते हैं? नबी के लाई हुई वही तालीमात है, वही अहादीस मुबारका है जो नबी ने हमें दिया है सुन्नत के शक्ल में। अल्लाह ने फरमाया, जो नबी दे तुम उसे ले लो, और जिस चीज़ से तुम्हें रोके तुम उससे रुक जाओ। और इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अम्रैन। दो चीज़ें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जा रहा हूँ। मैं इस दुनिया से तो जा रहा हूँ, मुझे एक दिन मौत आएगी जिस तरीके से आम इंसानों को आएगी, लेकिन दो चीज़ें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जा रहा हूँ। और जब तक तुम उन दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहोगे तब तक गुमराह नहीं होगे, तब तक इस दुनिया का कोई भी शख्स तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। लाख कोशिश कर ले, लाख हथकंडे अपनाए, लाख हरबे अपनाए, लेकिन अगर एक इंसान एक हाथ में सुन्नते रसूल को, दूसरे हाथ में किताबुल्लाह को थामता है तो कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। और ये हमारा चैलेंज नहीं, ये हमारा अकीदा है, हमारे ईमान का हिस्सा है और चैलेंज भी है। जब तक इंसान सुन्नते रसूल को थामता है, किताबुल्लाह की रस्सी को पकड़ता है, तब तक गुमराह नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कोई इंसान किताबुल्लाह को तो पकड़ता है, सुन्नते रसूल को छोड़ देता है, हदीस की कोई जरूरत नहीं समझता, वहीं से उसकी गुमराही शुरू हो जाती है। फिर मुख्तलिफ तरह की आफतें उस पर आती हैं और वो शख्स परेशान हो जाता है। और इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया में ये उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी। और सारे फ़िरक़े कहाँ जाएंगे? सारे फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे। मन काना अला मिथले मा अना अलैहि व असहाबी। इन तमाम में सिर्फ एक फ़िरक़ा ऐसा है जो जन्नत के अंदर जाएगा। सिर्फ वही जमात है जो कामयाबी वाली जमात है। जिस शख्स के यहाँ अज़मत पाया जाएगा, जो शख्स कामयाब, और वो जमात कामयाब जमात में शुमार की जाएगी। वो जमात हक पर कायम रहने वाली, हक पर बाकी रहने वाली जमात होगी। सवाल ये है, वो कौन सी जमात होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी वजाहत फरमा दी। जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, उस तरीके पर जो भी चलेगा, उस रास्ते का राही जो भी बनेगा वही कामयाब है। जो जमात उस रास्ते पर आएगी वही जमात कामयाब है। सवाल यह है कि क्या सहाबे किराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन सुन्नते रसूल पर अमल करने वाले नहीं थे? नौदुबिल्लाह, नहीं मेरे भाई। सहाबे किराम के यहाँ जज्बे सुन्नत, सुन्नत पर अमल करने का जज्बा हमसे कहीं ज़्यादा मौजूद था। और इसकी एक मिसाल नहीं, कई मिसालें आपको मिल जाएंगी। मशहूर सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का मसला ये था, सुन्नत के वो इस कदर पैरोकार थे, नबी की सुन्नतों से उन्हें इस कदर मोहब्बत थी कि वो नबी की एक एक सुन्नत को ढूंढते थे और उस पर अमल करने की कोशिश करते थे। बाज़ रिवायतों में यहाँ तक आता है, वो ढूंढते थे नबी ने कहाँ जा करके क़ज़ाए हाजत की है, वहाँ पर वो जाते थे, कदाए हादत करते थे। क्यों? नबी के तरीके पर चलना उनको पसंद था। मुत्तबे सुन्नत का मतलब ये होता है, नबी जिस रास्ते से चले हैं उसी रास्ते पर इंसान चले। और इसके अलावा मेरे भाइयों, कई एक सहाबे किराम हैं। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, लस्तु तारिकन शैअन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमलु बिही इल्ला अमिलतु बिही फइन्नी अख्शा। जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, मैं उन तमाम चीज़ों को करूँगा। क्यों? मुझे इस बात का डर है कि नबी की सुन्नतों में से अगर मैंने किसी एक सुन्नत को छोड़ दी तो गुमराह हो जाऊँगा। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ये कह रहे हैं कि अगर किसी एक सुन्नत को मैं तर्क कर देता हूँ तो मुझे अंदेशा है कि मैं कहीं गुमराह ना हो जाऊँ। आज हर मुसलमान अपने नफ्स से सवाल करे अपनी ज़िंदगी में वो किस कदर सुन्नत को बरोए कार लाता है, किस कदर वो सुन्नत रसूल पर अमल करने वाला है। हमें इस बात की कुछ भी फिक्र नहीं होती। एक बार हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजर असवद को मुखातब किया और फरमाया, आए हजर असवद, मैं तुझे चूमता हूँ, बोसा देता हूँ तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि मेरे नबी ने तुझे बोसा दिया है, मेरे नबी ने तुझे बोसा दिया है, इस वजह से मैं तुझे बोसा देता हूं, वरना तू एक पत्थर है, तेरी और कोई हैसियत नहीं है। यह है सहाबे किराम का सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। तवाफ कर रहा है इंसान खाने काबा का, इब्तदाई 3 चक्करों में थोड़ी तेजी के साथ तवाफ करना, उसी को रमल कहा जाता है। 3 चक्करों में थोड़ी तेजी से तवाफ करना है। जो इल्लत बयान की गई थी उस वक्त, वो वजह ये थी ताकि कुफ्फार के दिलों में मुसलमानों का रोबो दबदबा बैठ जाए, वो कुफ्फार ये देख लें कि मुसलमान हमसे कमज़ोर नहीं, मुसलमान भी ताकत और कुव्वत के मालिक हैं, जिस्मानी एतबार से ठोस और मजबूत हैं। और आज ये इल्लत खत्म हो गई, मुसलमान गालिब हो गए, शहरों के शहर मुसलमानों ने फतेह कर लिए। अब क्या जरूरत है तवाफ करते वक्त इब्तदाई 3 चक्करों में रमल की? लेकिन नहीं, नबी की सुन्नत थी, नबी ने इस पर अमल किया था, इस वजह से सहाबे किराम ने इस सुन्नत को बाकी रखा। और आज भी ये सुन्नत मेरे भाइयों बाकी है। और इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि अगर तुम सुन्नत रसूल में से कोई भी सुन्नत छोड़ोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। और इसी तरीके से मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। ऐ मोमिनों की जमात, इख्तिलाफ़ात एक फितरी चीज़ है। जहाँ 4 लोग रहेंगे उनमें इख्तिलाफ़ात पैदा होंगे, मसाइल होंगे, लेकिन उन इख्तिलाफ़ात का हल कहाँ से करना है? उन इख्तिलाफ़ात को हल अइम्मा के अक़वाल से नहीं करना है। उन इख्तिलाफात के हल करने के लिए किसी के कौल के सहारे की जरूरत नहीं। अल्लाह ने कहा फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। ऐ मोमिनों की जमात, जिंदगी के किसी भी शोबे में, जिंदगी के किसी भी मसले में कभी भी तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए तो तुम उसे लौटा दो। कहाँ? किताबुल्लाह की तरफ, सुन्नते रसूल की तरफ। तुम अपने मसाइल वहां से हल करो, तुम अपने इख्तिलाफात वहां से हल करो। क्यों? इस वजह से कि सहाबा ने वहीं से अपने मसाइल, अपने इख्तिलाफात हल किए हैं। और ये याद रखना मेरे भाई कि जब तक मुसलमान अपने मसाइल किताब और सुन्नत की रोशनी में हल करते थे तब तक वो मुत्तहिद थे, कामयाब थे, सुरखरुई उनके यहाँ थी। लेकिन जो ही उन्होंने अपने मसाइल के लिए किताबुल्लाह के बाद हदीस रसूल को छोड़ा, फुकहा के अकवाल को अपनाया, अइम्मा के अकवाल को अपनाने लगे, वहीं से वो लोग मुख्तलिफ टोकरियों में बट गए, मुख्तलिफ गिरोहों में बट गए। किताब और सुन्नत ही हमारे इख्तिलाफात को ख़त्म कर सकते हैं। और इसकी एक मिसाल नहीं, कई मिसालें हैं। सहाबा किराम ने अपनी ज़िंदगी में अपने इख्तिलाफात को हल करने के लिए, मामलात को हल करने के लिए सुन्नत रसूल का सहारा लिया है। दलील क्या है? कि अगर हदीस अपनाओगे, हदीस की तरफ रुजू करोगे तो इख्तिलाफात का खात्मा हो जाएगा। सबसे पहली दलील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, नबी का इंतकाल हुआ। मसला ये पैदा हुआ नबी को नहलाया कैसे जाएगा? आम मैयतों की तरह जिस्म से कपड़े उतार दिए जाए उसके बाद में आपको नहलाया जाए, या आपके जिस्म से आपकी कमीज ना उतारी जाए। इख्तिलाफ हुआ, कोई कहता उतारे, कोई कहता नहीं उतारे। सहाबी ने हदीस पेश की, नबी ने फरमाया है जब भी किसी नबी का इंतकाल होता है तो उसे नहलाते वक्त उसकी कमीज नहीं उतारी जाती है, उसकी कमीज नहीं उतारी जाएगी, कमीज के साथ उस नबी को नहला दिया जाएगा। सहाबी ने हदीस पेश की। अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी मुखालफत करे, सारे लोगों ने तस्लीम कर लिया, उनका इख्तलाफ ख़त्म हो गया। इसी तरीके से अगला इख्तलाफ पैदा हुआ मेरे भाई, नबी की वफ़ात के बाद नबी को दफनाया कहाँ जाएगा? जहाँ आम इंसानों की कब्रें हैं, बक़ीउल हरकत में या और कहीं, कहाँ ले जा कर के दफनाएंगे? मसला ये पैदा हुआ, इख्तलाफात का मसला था। सहाबी रसूल ने हदीस पेश की, मामात नबीयुन इल्ला दुफिना हैतु युक़बद। जब भी किसी नबी का इंतकाल होता है तो उसे वहीं पर दफन किया जाता है जहां उसकी रूह कब्ज़ की जाती है। जिस जगह उसकी रूह निकली है उसी जगह उस नबी को दफन किया जाएगा। आपने देखा हदीस रसूल, एक हदीस जिक्र की गई, इख्तिलाफ उनका ख़त्म हो गया कि नहीं ख़त्म हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने जिक्र करता हूं और उसका ताल्लुक मुसलमानों के सियासी मसले से है। गोया कि किताब व सुन्नत सियासी मसाइल में भी हमारे लिए रहनुमा की हैसियत रखते हैं। सियासी मसला क्या था जो मुसलमानों के दरमियान पैदा हुआ? बड़ा ख़तरनाक और संगीन मसला था। वो ये था कि नबी की वफ़ात के बाद मुसलमानों का हाकिम कौन बनेगा, मुसलमानों का हुक्मरान कौन होगा, मुसलमानों का खलीफा कौन होगा, मुसलमानों की क़यादत किसके हाथ दे दी जाए। इख्तलाफ पैदा हुआ। अंसार ने कहा हमारे में से कोई बनेगा, मुहाजिरीन ने कहा हम में से कोई बनेगा। जाहिर सी बात है दो जमातें हैं, दोनों दावेदार हैं कि हम में से अमीर कोई होगा, खलीफतुल मुस्लिमीन हम में से कोई होगा। अब सवाल ये था मसले का हल क्या हो, किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, चंद अल्फाज पर मुख्तसर एक हदीस पेश करते हैं, अल आइम्मतु मिन कुरैश। मुसलमानों का जो अमीर होगा वो कुरैश में से होगा। जब ये हदीस उनके सामने आ गई उसके बाद किसी के अंदर मजाल नहीं थी कि वो हुकूमत के लिए आवाज़ बुलंद करे, हुकूमत की दावेदारी करे। अब ये तो तय हो गया मुसलमानों का अमीर कहाँ से होगा, कुरैश में से होगा। लेकिन सवाल ये था कुरैश में से कौन बनेगा मुसलमानों का अमीर। अब हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब मौजूद थे, उन्होंने कहा अगर हम में से किसी के पास इतनी जुरात और इतनी हिम्मत है कि वो जाए अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर पहले बैअत करे तो बैअत कर ले। वो सवाल ये था उमर की निगाह अबू बकर के पद पर क्यों पड़ी? इस वजह से मेरे भाई, वजह भी बयान की क्यों, इस वजह से कि नबी ने अपनी ज़िंदगी में अपने मुसल्ले पर नमाज जैसी अजीम इबादत के लिए अगर किसी को अपना नायब बनाया था तो अबू बकर सिद्दीक थे। और ये इशारा था इस बात की जानिब कि मेरे बाद मुसलमानों का अगर कोई खलीफा बनेगा, मुसलमानों का अगर कोई अमीर बनेगा तो वो अबू बकर सिद्दीक होंगे। इसके अलावा कई दलाइल मौजूद हैं जिनके अंदर ये इशारा मौजूद था कि नबी की वफ़ात के बाद मुसलमानों का खलीफा अबू बकर सिद्दीक ही बनेंगे। तीन मिसालें आपके सामने पेश की, इसके अलावा कई मिसालें मेरे भाइयों। इन मिसालों से आपने क्या समझा? ये समझिए जब भी इख्तलाफ हो, नमाज के मसले में, तलाक के मसले में, हज के मसले में या किसी भी मसले में, तो सीधे क्या तलाश कीजिए? हदीस तलाश कीजिए। जब हदीस मिल जाए उसके बाद फिर किसी के कौल की कोई वैल्यू और अहमियत नहीं रह जाती है। एक बंदे मोमिन के यहाँ, एक मुत्तबे सुन्नत के यहाँ इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिमे दीन गुजरे हैं, अइम्मे अरबा में से एक हैं। उन्होंने कहा है मुसलमानों का इस बात पर इजमा है। इजमा का मतलब कोई मुखालफत इसका नहीं कर सकता। इजमा इस मसले में कि नबी की सुन्नत आ जाने के बाद किसी के कौल की तरफ रुजू करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अइम्मे अरबा में से तीनों के अकवाल आप देख लें, तीनों ने सराहतन कह दिया है जब हदीस आ जाए वही मेरा मजहब है, वही मेरा मसलक है, फिर भी लोग टुकड़ियों में बटे हुए हैं, नमाज के मसाइल में उलझे हुए हैं, तलाक के मसाइल में उलझे हुए हैं, इसी तरीके से हज के मसाइल में, रोज़े के मसाइल में या दीगर मसाइल में उलझे हुए हैं अपने अइम्मा के अकवाल को लेकर के। मेरे भाइयों आओ, अगर राहे जात के राही बनना चाहते हो, अगर आखिरत में कामयाबी चाहते हो, अगर रब्बुल आलमीन की रजा चाहते हो, अगर कल क़यामत के दिन अंबियाए किराम की रफाकत चाहते हो, शहदाए इज़ाम की रफाकत चाहते हो, औलिया की रफाकत चाहते हो, तो सुन्नत की इत्तबा करो, सुन्नत को आम करो, सुन्नत के पैरोकार बनो, सुन्नत पर अमल करने की तो दूर की बात, नबी ने तो ये भी दुआ की है नद्दरल्लाहु अम्रअन समिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के चेहरे को हरा भरा रखे। नबी ने दुआ दी है ऐसे शख्स के चेहरे को रब्बुल आलमीन हरा भरा रखे जो मेरी बातें सुनता है और वो लोगों तक पहुंचा देता है। गोया कि हदीस को आम कर रहा है, नबी के पैगामात को आम कर रहा है, तो ऐसा शख्स नबी के इस दुआ का मुस्तहिक है। और उसका चेहरा क्या रहेगा? इंशाअल्लाह तरोताज़ा और हरा भरा रहेगा। सुन्नत रसूल के अगर फ़वाइद पर गुफ्तगू करें तो कई एक फ़ायदे हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के। नंबर एक, वमन युतिअल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़िह फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। जो लोग सुन्नत रसूल पर अमल करते हैं, जो लोग नबी की पैरवी करते हैं, रब ने कहा है यही लोग कामयाब हैं। सुन्नत पर अमल करने वाले ही कामयाब हैं। जो लोग सुन्नत पर अमल नहीं करते वो पूरी रात तहज्जुद पढ़ें, पूरी जिंदगी सदका खैरात करें, मदरसे बनाएं, मस्जिदें बनाएं, कुछ भी करें, अगर वो सुन्नत के बागी हैं, अगर वो लोग सुन्नत के अंदर शकूक व शुबहात पैदा करने वाले हैं, तो याद रखें वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते, वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अदीमा। जो अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करेगा फ़ौज़न अदीमा, सबसे बड़ी कामयाबी ऐसे ही लोगों के लिए। पूरा कुरान आप पढ़ो, रब ने जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया, रब ने जहां अपनी इताअत का हुक्म दिया, वहीं पर अपने नबी, अपने रसूल मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत का हुक्म दिया है। क्यों? ये बतलाने के लिए कि दोनों को आखिरत में कामयाबी के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। रब की इत्तबा और नबी की इत्तबा, दोनों में से किसी एक को छोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, कामयाब नहीं होगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम दुनूबकुम, सूरह आल इमरान। इस आयत को हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आयतुल इम्तिहान कहा करते थे। क्या? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 है, हसन बसरी इसको आयतुल इम्तिहान कहा करते थे। मतलब ये था कि देख लो अगर किसी का इम्तिहान लेना हो कि वो शख्स रब से मोहब्बत करता है कि नहीं, रब की मोहब्बत उसके दिलों में है कि नहीं, तो उसे देख लीजिए कि वो नबी की इत्तबा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नबी की हदीसों पर अमल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नबी के नक्शे कदम पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है, नबी की इत्तबा कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो वाकयतन रब से मोहब्बत कर रहा है। लेकिन अगर नबी की इत्तबा नहीं कर रहा है तो वो रब से मोहब्बत करने में, रब से मोहब्बत के इजहार करने में झूठा है, मक्कार है और कज़्ज़ाब है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर सुन्नत रसूल पर अमल करोगे, अगर इत्तिबाए नबवी का जज्बा तुम्हारे अंदर होगा तो रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, कुछ कमी हो जाए, कोताही हो जाए, और ये लाजिम चीज़ है मेरे भाई, क्योंकि कमाल किसको हासिल है? सिर्फ रब को हासिल है। कमाल सिर्फ रब को हासिल है, रब के अलावा किसी भी इंसान को कमाल नहीं हासिल है। इबादतों में खलल हो सकते हैं, इबादतों में कमियां हो सकती हैं इंसान होने की बुनियाद पर, लेकिन अगर सुन्नत पर वो इबादतें होंगी तो गुनाह मिटा दिए जाएंगे। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। बहुत अजीम आयत है। सवाल ये उठता है, आज ये मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात क्यों हैं? आज ये मुसलमान टुकड़ियों में क्यों बटे हुए हैं? आज इन मुसलमानों के दरमियान गिरोहबंदियां क्यों हैं? मुसलमानों के सफ़ों में इंतशार क्यों है? इसका जवाब ये है, जब सुन्नत रसूल से इन्हिराफ करेंगे, जब नबी की सुन्नतों को छोड़ा जाएगा, जब हदीस नबवी के अंदर शुकुक व शुबहात पैदा किए जाएंगे, तो इख्तिलाफात मुसलमानों की जमातों में पैदा होंगे, इनकी सफ़ों में इंतशार पैदा होंगे, इनके यहाँ गिरोहबंदियाँ पाई जाएंगी मेरे भाई। इस वजह से अगर हम मुत्तहिद होना चाहते हैं, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही शक्ल है और वो शक्ल है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर अमल करो। जब सही हदीस आ जाए तो सही हदीस के आ जाने के बाद किसी के कौल की तरफ नज़र उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सही हदीस आ जाने के बाद भी हम किसी के कौल की तरफ रुजू करते हैं तो याद रखें, गुमराही ही हमारे हाथ आने वाली है, हम कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा कान लिमुमिन वला मुमिना इदा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ल दलालम मुबीना। समझिए आप, ये कुरान है, किसी इमाम का या किसी मुहद्दिस का कौल नहीं है, ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। साफ तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब किसी मसले में नबी का हुक्म आ जाए, जब किसी मसले में नबी का फैसला आ जाए, जब किसी इबादत में नबी का तरीक़ा मिल जाए, तो अब किसी को भी इख्तियार नहीं है, जायज़ किसी के लिए भी नहीं है कि वो किसी और के कौल की तरफ रुजू करे। ये रब का फरमान है। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना। जो भी अल्लाह की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा, उनकी नाफरमानी करेगा, किन किन की? अल्लाह की और रसूल की। सिर्फ अल्लाह की नहीं बल्कि अल्लाह और रसूल की। जो भी इन दोनों में से किसी के भी हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा, नाफरमानी करेगा, फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना, खुली हुई गुमराही में वो सीधे जाएगा। वो कहाँ जाएगा? खुली हुई गुमराही में जाएगा। आज देखें मुसलमानों के दरमियान गुमराहियाँ आम है कि नहीं है? दावेदार हैं नबी के मानने वाले के, दावेदार हैं मोहम्मद की उम्मती के, हमारा दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर भी बिदअतें हमारी सफ़ों में हैं, गुमराहियाँ हमारी सफ़ों में हैं, सुन्नत से इन्हिराफ करने वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं, सुन्नत के अंदर शुकुक व शुबहात का फितना बरपा करने वाले हमारी सफ़ों में मौजूद हैं। इस वजह से वो मौजूद हैं क्योंकि उनके दिलों में सुन्नत की अजमत नहीं है, सुन्नत का एहतराम नहीं है, सुन्नत का वक़ार नहीं है। अगर किसी भी मुसलमान के दिल में सुन्नत की अजमत होगी, नबी की सुन्नतों का एहतराम होगा, तो वो मुसलमान कभी भी नबी का कौल और नबी का फैसला आ जाने के बाद किसी के भी कौल की तरफ नजर उठाकर देखना भी गवारा नहीं करेगा। और इससे भी आगे आइए मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलयहदरिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, नबी का फैसला आ जाने के बाद उससे रूगर्दानी कर लेते हैं, अन तुसीबहुम फितना, मुमकिन है उन्हें क्या पहुँच जाए, वो लोग फितने में मुब्तला हो जाएँ, औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ये लोग डरते नहीं हैं, इनके दिल कांपते नहीं हैं, नबी की सुन्नतों में शकूक व शुबहात पैदा करने से, नबी की सुन्नतों से इन्हिराफ करने पर कि रब का कहर टूट जाए, रब का अजाब ऐसे लोगों पर आ जाए। क्यों? इस वजह से कि नबी की बातों को रद्द करते हैं। नबी की बातों को रद्द करना दरअसल रब्बुल आलमीन के बात को रद्द करना है। क्यों? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। इंशाअल्लाह बात वक्त पर ख़त्म करूँगा मेरे भाई। नबी कोई भी लफ्ज़ अपनी ज़बान से निकालता है तो रब के हुक्म के बगैर नहीं बोलता है। नबी अपनी ख्वाहिशात से नहीं बोलता, नबी अपनी ख्वाहिशात से गुफ्तगू नहीं फरमाता। नबी की ज़बान से जो भी कलमात अदा होते हैं रब का हुक्म होता है, तब नबी कोई बात करता है। फितना, नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे तो फितने में मुब्तला हो जाओगे। और आज ये उम्मत फितनों में मुब्तला है कि नहीं मुब्तला है? ये उम्मत फितनों में मुब्तला है कि नहीं मुब्तला है? एक फितने हो तो उसे गिनाए, एक जख्म हो तो उसका इलाज किया जाए। फितनों की पूरी तारीख है, नबी की वफात के बाद से लेकर के देखें कई फितने पैदा हुए। अगर तारीखी एतबार से फितनों पर गुफ्तगू करें तो एक और खुतबे जुमा की ज़रूरत होगी। सिर्फ आप हिंदुस्तान के अंदर देख लो, ये उम्मत फितनों से दो चार हुई कि नहीं? एक फितना पैदा हुआ कादियानियत के नाम पर। किस नाम से? फितने कादियानियत ने जन्म लिया, जिसने उम्मत के एक बड़े तबके को गुमराह कर दिया। और उसने क्या दावा कर लिया था? मैं नबी हूँ, मैं क्या हूँ? नबी हूँ। आज़ादी के वक्त का ये फितना है। उसके बाद देखो मुनकरीन हदीस का फितना पैदा हुआ, चकड़ालवियत का फितना जिसे कहा जाता है, जिस फितने ने सुन्नत रसूल का इनकार किया। और उस फितने से भी इस उम्मत की एक बड़ी तादाद दो चार हो गई। हाल में एक ख़तरनाक और डेंजर फितना हमारे मुल्क के अंदर पैदा हुआ है। हर मुसलमान को होशियार रहने की ज़रूरत है। वो है शकील बिन हनीफ का फितना। शकील बिन हनीफ का फितना जो अपने आप को क्या कहता है, क्या कहता है बताएंगे? कोई मेहदी कहता है। ऐसा हो सकता? पोस्टमार्टम इंशाअल्लाह उसका कभी और किया जाएगा, उसकी झुटाई का, किस बयानी का। आखिरी बात कहता हूँ आपके सामने, हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम चीज़ है सुन्नत नबवी पर अमल करना, इत्तबा ए सुन्नत, और अपने अक़ीदे की हिफाजत। और अपने अक़ीदे की हिफाजत के लिए मेरे भाइयों दो किताबें पढ़ लो, दो किताबें अपने घरों में रख लो, अपने बच्चों को रटा दो, पढ़ा दो। वो दो किताबें कौन सी है? एक हिंदुस्तान में लिखी जाने वाली तक़वियतुल ईमान है, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की, और दूसरी किताब है सऊदी अरब के मुअल्लिफ शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की किताब तौहीद। ये दोनों किताबें अपने बच्चों को अजबर करा दो, रटा दो, इनके मसाइल समझा दो। इंशाअल्लाह यकीन है इन दो किताबों को पढ़ने के बाद, और कुरान भी साथ में रखो, आपका बच्चा गुमराह नहीं होगा, किसी फितने का शिकार नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन तू हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन तू हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं तो उन्हें सेहत याब कर दे, आमीन। इलाहुल आलमीन तू हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी के हर मामले में अपना उसवा मानने की तौफीक दे, आमीन। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।